आईसाइट की हम जो बात कर रहे थे वो उसकी देखिए, बैट्समैन दुनिया का कोई भी हो हाँ। जो आंख से खेलता है हाँ। हमारे पाकिस्तान में एक लड़का उसकी जबरदस्त इनफैक्ट दो जी। माजिद खान हाँ। आंख से खेलते थे हाँ। मोहसिन खान तो उसके आंख में बॉल नहीं लगा नहीं। यहाँ से पता क्या इन बात से बात याद आ गई, पीजे मीर साहब और राशिद की जो कम्युनिकेशन हुई, वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द मीडिया पीपल हु वर्किंग इन मीडिया। अभी मतलब यू नो लाइक हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये अच्छी बात है। राशिद को भी क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि जवेद भाई, राशिद, पीजे मीर साहब, हम सारे भाई हैं एक दूसरे के। डिफरेंट हमारे शो के ऊपर बात हुई, आई थिंक राशिद ने भी बात की, शाहिद ने भी बात करके ये मसला मसाइल अल्लाह ने हल करवा दिया। इसका इसलिए बात करना ज़रूरी है कि मीडिया के थ्रू कि कई दफ़ा ना कम्युनिकेशन करने से ना आप दुश्मन नहीं बनते। फौरन इन्होंने फ़ोन किया राशिद को और इन्होंने डिस्क्राइब किया कि आई मेड ए मिस्टेक यू नो लाइक, और कोई इंसान छोटा नहीं होता हाँ। कभी आप गलती कर ले तो छोटा इंसान नहीं होता। अगर वो कह ले जाए यार आई एम सॉरी, आपको मेरे लफ्ज़ों से आपको हर्ट हुआ हो, आई एम सॉरी। अब क्या कि राशिद भी खुश, पीजे मीर साहब भी खुश और रिलेशनशिप भी बिल्ट अप हो। कम्युनिकेशन इज द की, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट कि कम्युनिकेशन इज द की। देखो जी, दैट इज व्हाट इट इज। इसका अगर आप कम्युनिकेट ना करें ना जी, तो जो थर्ड एंड फोर्थ पार्टीज हैं वो उसके मजे दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट, दे टेक एडवांटेज, यस एग्जैक्टली। और इसका वो कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ नॉट इवन इन अ टी कप इन अ ऑन अ सॉसर प्लेट। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इट वाज नेवर इंटेंडेड। देखो जावेद मेरा कंटेम्पररी, हम दोनों का वर्ल्ड कप में डेब्यू था, मेरा इमरान का, जावेद का पहले वर्ल्ड कप के अंदर। तो द थिंग इज कि हमने सारी उम्र इकट्ठे खेली, हमने बैंक पे खेली क्रिकेट। तो द क्वेश्चन है राइजेज, ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक बात होती है जो आप उर्दू में कुछ कह दो, अंग्रेजी में कुछ कह दो, एंड इट कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है उसका, बिल्कुल। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बदल जाता है। राशिद भाई से बात शेयर करना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई आपके फोन पर, राशिद भाई से क्या बातचीत हुई, अगर उस वाले से कुछ शेयर अगर आप करना चाहें। हाँ नहीं, राशिद का यार ये मैंने कॉल किया, कहते यार देखो ये लोग मुझे फोन कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, थप्पड़ मारा। मैंने कहा यार थप्पड़ किसी ने नहीं मारा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एंड नेचुरली वो लगा इस तरह क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्लैप ऑन अ फेस, तो स्लैप ऑन अ फेस आप कहीं भी दफ्तर में भी जाए इस तरह ही करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग, ही वाज ओके, आई एम ओके, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। सबसे अच्छी बात ये है, आई एम, ही इज लाइक अ ब्रदर। सबसे अच्छी बात ये कम्युनिकेशन करके, वो कहते हैं ना खली वली कर दें इस बात को, बिल्कुल इट्स गॉन। और वो कम्युनिकेशन इज द की, एंड कम्युनिकेशन हम हमेशा बात करते हैं लाला कि कम्युनिकेशन का बड़ा फुकदान रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में, और हम हमेशा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। लड़कों को पता नहीं चलता कैसे परफॉर्म, क्यों कोई ड्रॉप हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस चीज़ को। कम्युनिकेशन नहीं तो कम्युनिकेशन तो करते ही नहीं है ना लोग, तो वो करनी है ना, सबसे बड़ा फुकदान ही उस कम्युनिकेशन का है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा करें। नहीं आपको लगता है ऑन पर्पस लोग कम्युनिकेट नहीं करते, ये तो आदत बन गई है। सवेरा मैं नहीं, सवेरा एक सेकंड हाँ। इन्होंने जो बात की है ना शायद ने, जो भी राशिद से बात की है इन अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, यस दैट्स पॉजिटिव कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाट मैटर्स। कम्युनिकेशन तो हो जाती है लेकिन जब पॉजिटिविटी आती है इसको हमने। सवेरा एक राशिद भाई ने मुझे मैसेज किया, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, राशिद भाई ने मुझे मैसेज किया इस तरह पीजे भाई के बारे में ही हुआ। मैंने कहा राशिद भाई हो गया, गलती हुई है, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप बात को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाएगी, ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे हाथ में। तो कम्युनिकेशन की मैंने कहा राशिद भाई वो भी आपसे सॉरी कर लेंगे, आप भी कोर्ट शोर्ट जो भी लीगल केस है कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की। तो कम्युनिकेशन का मतलब कि कम्युनिकेशन बड़े से बड़े मसले हल कर देती है, लेकिन बंदे को बैठना तो पड़ता है ना टेबल पे, बात तो करनी पड़ती है ना, तो बात कम्युनिकेशन ही है। ये जो आपने किया ना शायद ने बात की है पीजे मीर साहब करे, कम्युनिकेशन कहाँ पे नहीं होती, दैट्स योर पॉइंट, पता कहाँ पे नहीं, जहाँ पे इंसान की ईगो सामने आती है। When somebody make a mistake, मुझसे गलती होगी, मैं नहीं छोटा हूँ अगर मैं माफ़ी मांगूंगा। ये हमारे कल्चर में डेवलपमेंट आ गई ना, कोई इंसान छोटा नहीं होता, ईमानदारी की बात है, खुदाई कसम। अपनी गलती को तस्लीम करने वाला इंसान बड़ा हो जाता है और दूसरा माफ़ करने वाला उससे भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये जो जो सारे सिनारी हो ना, इस हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से, यही प्रोग्राम है ना जोर के जोड़ में, हम यही सोल्यूशन ही देते हैं ना हाँ। तो सोल्यूशन क्रिकेट की भी है और आम जिंदगी की भी है। बिल्कुल। बड़ा होना चाहते हो फिर बात वही है कि लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो हाँ। अगर लोगों की गलती को माफ़ करना चाहते हो तो अपनी भी सीधी सी बात है, छोटे होना सीख लो। करना चाहता हूँ, मशवरे दिए कि लटका करें
अब लटकते ही नहीं है, आप पता शायद अब वो निकल गई उम्र, वो वाली निकल गई उम्र, अगर लटक गया ना तो फिर गोली लेनी पड़ेगी कल दर्द। एक और रन आउट हो गया, एक रन आउट और हो गया है, और वन विकेट डाउन फॉर अनदर विकेट डाउन फॉर नेदरलैंड्स हियर। बट हम जहां कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कॉलिन एकरमैन जो है वो वापसी जाते हुए 29 रन बनाए उन्होंने 35 बॉल्स पर। एंड अब बस वक्त क्योंकि यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया, बट जाते जाते जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो कल निगरा वजीर आजम से कम्युनिकेशन हुई शाहिद खान आफरीदी की, क्या डिस्कशन हुई, क्या बात हुई, वो जब हम 5 बजे वाले सेशन में आएंगे तो उस हवाले से बात करेंगे। एंड आज फिर कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो वो कहते हैं ना कि दिलों में दूरी आ जाती है, तो आज जो है वो अब राइट आफ्टर द शो कम्युनिकेशन होगी शाहिद खान आफरीदी की विद द चेयरमैन पीसीबी, द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जकार अशरफ साहब से। एंड उस कम्युनिकेशन की पूरी जो गोल है, पूरा जो गोल है वो ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर बनाया जाए। इन द रीसेंट फ्यू डेज पाकिस्तान क्रिकेट जो बिल्कुल एक कॉमेडी बन के सब पूरी दुनिया के सामने आ रही थी, और हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि been a total circus right now, जो कि नहीं होना चाहिए, because पाकिस्तान की कहीं भी बेइज्जती हो वो obviously हम सबको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी। So this communication is very important. So communication proper करने के बाद आज जोर का जोड़ में 5 बजे वाले शो में हम बैठेंगे साथ और हम डिस्कस करेंगे, एंड वी ऑल वो ट्राई आर लेवल बेस्ट कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर किया जाए। विकेट गिर गई जाते जाते, मेरी इतनी लंबी स्पीच हुई कि एक और विकेट गिर गई, वक्त यहाँ पर जाते जाते कहाँ पे काम, sparks.pk पे विजिट करना है। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी अगर आप स्मार्टफोन या एसेसरीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो फाइनल के मौके पर, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उस फाइनल के मौके पर आपको ग्रैंड प्राइज मिलेगा स्पार्क्स की जानिब से। तो अभी भी अगर आपने कोई स्मार्टफोन या कोई एसेसरीज खरीदनी है तो sparks.pk को विजिट करें, आपसे होगी 5 बजे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।